रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। पुतिन ने पश्चिमी एशिया की समस्या की जड़ अमेरिका को बता दिया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी एशिया में अराजकता के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्दोष लोगों की मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस युद्ध का समाधान फिलिस्तीनी का निर्माण है। उधर WHO के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री से भरा एक ट्रक सोमवार को गाजा के खान यूनुस अस्पताल में दाखिल हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि लोगों ने बताया कि ये रसद जरूरत के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिलहाल गाजा के लोगों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, क्योंकि इजराइल के हमले में गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां लोगों के सामने खाने का संकट भी मंडराने लगा है। कई जगहों पर ईंधन खत्म होने के चलते बिजली की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। इजराइल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में की गई एयर स्ट्राइक में इजराइल की सेना के खिलाफ काम करने वाली जनिन ब्रिगेड के प्रमुख को मार गिरा है। ये ब्रिगेड जेनिन शरणार्थी कैंप में रहकर ही इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाती है, और आरोप है कि इसके लिए जेनिन ब्रिगेड का मुखिया शरणार्थी कैंप में रहने वाले फिलिस्तीन के लोगों का ही इस्तेमाल करता था। इजराइल के खिलाफ जेनिन ब्रिगेड को गाजा में बैठे चरमपंथी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने खड़ा किया था, ताकि वो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजराइल की सेना पर बड़े हमलों को अंजाम दे सके। इसराइल के मुताबिक इसी जेनिन ब्रिगेड के मुखिया पर उसकी कई दिनों से नजर थी, और जैसे ही इसका पता इसराइल को लगा, उसकी सेना तुरंत एक्शन में आ गई, जिसके बाद इसराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर जेनिन ब्रिगेड के प्रमुख को मार गिराया। जेनिन कैंप इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में है, जहां 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं, और उसी इलाके में मौजूद जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। उधर हमास से जारी युद्ध के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने UN के प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 इंडिया ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया कि आप संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव पर भारत के रुख को कैसे देखते हैं। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे हॉरर को भारत समेत कोई भी सिविलाइज्ड देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पावरफुल कंडेमनेशन ऑफ द हॉरर्स दैट वर कमिटेड हियर दैट आर हॉरर्स दैट नो सिविलाइज्ड कंट्री इंक्लूडिंग योर कंट्री एंड सो मेनी अदर्स। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि आतंकवादी घटनाएं उन देशों में भी घटी हैं। इसलिए उन देशों को भी प्रस्ताव की कड़ी निंदा करनी चाहिए। बड़ी बात है कि भारत ने भी प्रस्ताव का समर्थन ना करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकवाद को ही बताया था। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि इसराइल आतंकवादी संगठन हमास के साथ किसी भी हाल में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल लड़ेगा और इस युद्ध में जीतेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने 33 बच्चों सहित 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। हमास फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। ये युद्ध का समय है और इसराइल आतंकी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहेगा। मतलब इसराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो हमास का खात्मा किए बिना नहीं रुकेगा।